पर, लेकिन फिलहाल चलते हैं केजरीवाल के घर के बाहर। विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जरा दिखाइए वहां कैमरे पर क्या हो रहा है वहां पर इस वक्त। देखिए, इस वक्त मौजूद है केजरीवाल के घर से कुछ ही दूरी पर, और देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो मेन गेट है, जो गली का, वो बंद कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है। आला अधिकारी डीसीपी जो है वो भी मौके मौजूद है। कई जिलों के इंस्पेक्टर यहाँ पे तैनात किए गए हैं और यहाँ पे काफी तादाद में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। ईडी की टीम अंदर है और जिस तरह से आज वो दसवां सम्मान देने के लिए पहुंची है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी कर सकती है और साथ ही सर्च भी कर सकती है। तो इसके चलते जो है यहाँ पे आज ईडी की टीम पहुंची है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। तो देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर, और चारों तरफ आप देखेंगे कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आपको नजर आएंगे। डीसीपी नॉर्थ यहाँ पे मौके मौजूद है। उसके अलावा अगर आपको रिंग रोड की बात करें तो आप रिंग रोड से कुछ दूरी पर यह देखेंगे कि वहां भी काफी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। तो आज से अभी से कुछ देर पहले जब ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची थी तो वहां पे जो अरविंद केजरीवाल का स्टाफ है उससे बातचीत की गई थी। उसके बाद एहतियात के तौर पर यहाँ पर काफी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है और यहाँ से किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जो लोग अंदर रहते हैं उन्हें ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है जो इस गली के अंदर रहते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है। तो कई जिलों के इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। डीसीपी नॉर्थ जो है वो मौके मौजूद है, जो कि यहाँ पे कड़ी सुरक्षा किए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल से आज ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है, घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है और उसके साथ ही बात की जाए तो दसवां सम्मान जो है वो भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। जिस तरह से हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी की टीम कार्रवाई कर सकती है, तो उसी कयास में आज देखा गया है कि शाम के वक्त जो ईडी की टीम पहुंची है तो तकरीबन 9 सम्मान जो है वो दे दिए गए थे। 10वां सम्मान देने के लिए ईडी टीम पहुंची थी। हाई कोर्ट में भी ईडी की टीम ने ये बात कही थी कि तो मतलब साफ है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ और कई जिलों के इंस्पेक्टर इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अभी अभी हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है आम आदमी पार्टी की लीगल टीम। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत नहीं दी थी, जिसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी इस बारे में? पीयूष, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी की लीगल टीम, बताइए इस बारे में क्या जानकारी है? पीयूष से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी गिरफ्तारी से, और उसके बाद आज कोर्ट में भी काफी कुछ हुआ। जजेस ने ईडी से कहा कि आप दिखाइए कि आपके पास क्या पूरा आधार है अरविंद केजरीवाल को समन करने का। उसके बाद जजेस ने वो समन देखे, वो आधार देखे, वो फाइल देखी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी कि उनको बार बार समन दिए जा रहे हैं, गिरफ्तार कर सकती है ईडी की टीम, गिरफ्तारी से उनको छूट दी जाए, उस पर कोई राहत उनको नहीं मिली। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए, विवेक काफी हलचल दिख रही है वहां पर। जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, ईडी की टीम पहुंची हुई है। अंदर ईडी के अधिकारी अभी केजरीवाल के घर अंदर जा पाए हैं या नहीं, क्या जानकारी है? देखिए, फिलहाल बात की जाए तो अभी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई है कि ईडी की टीम अंदर पहुंच पाई है या फिर नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य जो रोड है जो अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाती है, यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है। उसके ठीक बाहर ये मेन गेट को पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा बंद कर दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थक भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। नॉर्थ डीसीपी जो है दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पर मौजूद हैं। कई इंस्पेक्टर जो है रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, एसी पे रैंक के अधिकारी मौजूद है। विवेक मैं रोकूंगा आपको। देखिए, स्वाति मालीवाल है आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया, कह रही दिल्ली में वर्ल्ड क्लास शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सुविधा देने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश जारी है। 2 साल से चल रहे एक केस में चुनाव से ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार करना राजनीतिक साजिश दिखाता है। पूरी दिल्ली और पूरा देश केजरीवाल के साथ है।